टंगा के भी उन्होंने लत्तां मारियां। हुण मैं सब दे सामने शो नहीं कर सकता हैगा, है जी, लत्तां ते तुहानूं दिस रहे ने, शोल्डर ते तुहानूं दिस रहे ने, आ मांस पाटा होया है ना, ते मतलब कि एक उन्होंने बेहालत की आ कि जिवें एक मतलब कि मैं दस नहीं सकता हैगा कि किन्नी निंदा की। मेरा मास कटिया इन्होंने इतों क्योंकि मास वध चुका सीगा डंडा वजन नाल, ते इन्होंने खिच के टांके लाए। हाँ जी, ते ओ बिल्कुल ओहदे नाल मतलब कीता, मैं दस नहीं सकता हैगा। तो किसानी अंदर मैनू अपनी अख का फिक्र नहीं, मैं अज भी कहना सर सोशल मीडिया, मैनू अपनी अख का तो बिल्कुल फिक्र नहीं गा। होस्पिटल के मैं हरासमेंट किया, मैंटली अपसैट किया जा रहा है, मैं अच्छ चोरी भज के आया होस्पिटल। होस्पिटल भज के आए? हाँ जी, होस्पिटल चो मैं भज के आया, कल्पना चावला होस्पिटल है, मैं उतो निकल के आया चोरी। मैं कहना कि मैंने शोल्डर च पीड़ हो रही है, तो साह वाले ने डॉक्टर भेज देते हैं कि आपके सांस में प्रॉब्लम है, तो ये कोई राइट नहीं बनता है। जो कुछ मैं कहना वो तो तुम सुन ही रहे, तुम अपनी मनमर्जी सारा कुछ कर रहे हो। 28 अगस्त को करनाल में जो होया उस तस्वीर सब ने देखिया, पर जिसने पिंडे ते हंडाइया गुरजंट सिंह मेरे नाल है, जिन्हों के जो नक ते सट लगी है, तो अगे जाके जिहड़ियां होर इंजरीज बहुत ज़्यादा उन्होंने हुई ने। गुरजंट कित्थे कित्थे इंजरी है? आप जी पते पहले को पहले तो मैं तुम्हें विखा नहीं सकता कि जिते जिते उन्होंने जो कुछ किया है, है ना, गुप्त अंगा के भी उन्होंने लत्तां मारियां। हुण मैं सब दे सामने शो नहीं कर सकता है, है जी, लत्तां ते तुहानूं दिस रहे ने, शोल्डर ते तुहानूं दिस रहे ने, आ मांस पाटा होया है ना, तो मतलब कि एक उन्होंने बेहालत की आ कि जिवें एक मतलब कि मैं दस नहीं सकता है कि किन्नी निंदा की जाए। जी हड्डी से वार होया किस तरीके? ये जो मेरी प्रशासन वालों कंढ हो गई है, जो इन्हें प्रशासन ने मारन की कोशिश की बुजुर्गों को, मेरी कंढ हो गई है, मेरा सिर दमाला इन्हों वाल हो गया ना, सिर पर वार किए ना, मैं दमाला बदा हो वार नहीं। फिर इन्होंने जिहड़ा जतेंद्र ढिल्लो है SHO 32 का इंचार्ज है, उन्हें फिर साइड तो वार किया आ मेरे इस जगह तो वजह, जिसे आ स्टीचिंग हुई है। स्टीचिंग भी इन्होंने इस तरह की है कि मैं जो होस्पिटल मैंने चक के ला गया ने, मैंने कल उन्हें अंदर दब लिया, ना सोने का टीका लाया ना कुछ, इदा ही टिक। मेरा मास कटिया इन्होंने इतों क्योंकि मास वध चुका सीगा डंडा वजन नाल, तो इन्होंने खिच के टांके लाए। हाँ जी, तो वो बिल्कुल वो मतलब किया, मैं दस नहीं सकता है कि अखां ते भी कुछ ने तो मतलब नुकसान दिता। हाँ जी, 40% दिसदा सोचों इस अख विचों, आ जिहड़ी राइट वाली अख है, क्योंकि पहला तो बिल्कुल ही नहीं सी दिसदा, हुण 40% दिसना शुरू होया, मतलब कि पहला 10-20 इस तरह हुंदा हुंदा 40% तक हो गया, पर 4 दिन तो 40% तो उत्ते नहीं वधिया हैगा। तुहाडे नाल इस तरह तशद्दुद हुंदा आ, हालांकि शांतमई प्रदर्शन कहा जाता सीगा, इस तशद्दुद होया, पर जो किसान मंग करदे ने उस अधिकारी ते कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन थापड़ा दिंदा या प्रशासन बचाउंदा नज़र आ रहा? बिल्कुल करनी पैगी, राइट बनता है, ये बिल्कुल करनगे, जो इन्हां दे नासां ते धूं आ जाएगा ना, बिल्कुल करनगे। तो किसानी अंदोलन मैनू अपनी अख का फिक्र नहीं, मैं अज भी कहना सर सोशल मीडिया, मैनू अपनी अख का तो बिल्कुल फिक्र नहीं गा। होस्पिटल के मैं हरासमेंट किया, मैंटली अपसैट किया जा रहा है, मैं अच्छ चोरी भज के आया होस्पिटल। होस्पिटल भज के आए? हाँ जी, होस्पिटल चो मैं भज के आया, कल्पना चावला होस्पिटल है, मैं उतो निकल के आया चोरी। हरासमेंट इदा किया जाता है, रात को सुते पै दी वीडियो बनानी, कितने भेज दी नर्सा मैनू नहीं पता, ठीक है जी, वॉशरूम जाना, दो सिक्योरिटी गार्ड नाल जाते हैं, कोई पता नहीं गा की करते हैं, ठीक है जी, दवाई दी जाती है। जे मैं कहना कि मैं शोल्डर च पीड़ हो रही है, तो साह वाले ने डॉक्टर भेज देते हैं कि आपके सांस में प्रॉब्लम है, तो ये कोई राइट नहीं बनता है। जो कुछ मैं कहना वो तो तुम सुन ही रहे, तुम अपनी मनमर्जी सारा कुछ कर रहे हो। चीज़ा किसे तक पहुँचाइया ने? हाँ जी, सब तक पहुँचाइया ने, सबनों पता आ, लेकिन मीडिया उत्ते जान नहीं दिता जा रहा है, पर मैंने पता भी जेडे मीडिया ने नहीं आने दबन डे ने, तो मैनू भी बाहर नहीं निकलेंगे। अचानक अज मैं अख बचा के इतने वापस आ गया, डॉक्टर दोबारा बुला रहा है कि नहीं तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा, मैं तुम FIR दर्ज कराओ, पर मैं होस्पिटल च नहीं एडमिट होना, ना मैंने जरूरत है एडमिट होने की, ठीक है, होस्पिटल नहीं सरकारी गवर्नमेंट होस्पिटल, क्योंकि प्रैशर हैगा आ जो खंडूजा वो BJP का बंदा आ, चंडीगढ़ का रहने वाला खंडूजा जिहड़ा है, डायरेक्टर ने 5 दिन पहला अज तो पेपर के निकलवा चुकया है कि गुरजंट जिहड़ा है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इन्हू जदों मर्जी छुट्टी दिलवा सकते हो, फिर मैनू छुट्टी नहीं दे रहे है 5 दिन। वीडियोज़ बनाइया जा? हाँ जी, रात में सुते पे वीडियो बनाई जाए, अगर मेरे कोई मिलना हूँ उन्होंने वीडियो बना लीती जाए, कि कारण की है मैं वही पूछ रहा वा कि मैं मेंटली अपसैट करना किया जा रहा है, फिर मैंने इन्हों की दवाई तो इतबार नहीं है जी, बिल्कुल भी मैं इन्हों की दवाई जो मैं जो आख्या भी रात में मेरी, फिर मैं इन्हों की जेब के बच्चों फोन कढ़िया, जो मैं गल्ला पुछते हैं वीडियो बन रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। हाँ जी, मेरी वीडियो बन दी कुछ की यही पे, मैंने पता थोड़ा नाम की है, थोड़े फादर का नाम की है, दो पहला भी तुम संघर्षों में जाते हो, पहला थोड़े लाठीचार्ज होया, इदा दी गल्लां करते ये कुछ होंगे, पर मैं उन्होंने तो इन्होंने नर्स तो फोन खोलिया, तो जिन्या भी मेरे को आदियाँ सारिया नर्सा आदि, डॉक्टर क्यों नहीं आते? डॉक्टर दंदल पई आ या उन्होंने हाथ नहीं काम करते है कितने ने जो वीडियो बनती है, तो इर्द गिर्द कोई होर अजिहा शक्की इंसान जिन्होंने शक की निगाह देखते हो?
एक्चुअली सर मैनू तो कोई शक नहीं है क्योंकि उत्थे बहुत से लोग आते सन क्योंकि पता लैन आते सन मैनू की पता से कौन किवें है किवें नहीं है मैं उसके किसते शक क्योंकि मरीज होर भी पे ने मैं किसी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि असं इंसानियत रूप से असं किसानी अंदोलन के नाल चले हाँ ठीक है जी सब तो साडा कोई धर्म नहीं है साडा धर्म से वड्डी है इंसानियत इंसानियत तो बाद असीं सिख कौम च पैदा हुए हैं ठीक है जी सब तो वड्डी इंसानियत है मैं किसी धर्म नहीं मानता है तरीका दबाव पाया जा रहा है दबाव बनाओ जो मर्जी कर मैं दबाव तो डरदा नहीं है चाहे अज सलाखा दे मगर सुट देन लेकिन किसानी अंदोलन जिंदाबाद से जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा लड़ांगा एंड तक लड़ांगा इतने ही सोवांगा इतने ही रहांगा जिस टाइम खुले हवावां ने जो मर्जी जिन्हें चुकना चुक के ला जा सकता गुरजंट ने जिन्हों के सट्टा लगिया ने तो उन्हों का कहना है कि उन्होंने हरासमेंट उन्होंने हो रही है हरास किया जा रहा तस्वीर तो तक करनाल के मिनी सैक जो सैक्रटेट उतों ही लैके आ रहे हैं कि हजे प्रबंध किए जा रहे हैं धरने के जोड़े कि पक्का धरना हम इतने लगेगा मैं सुरखाब अपने सहयोगी गौरव के नाल रोजाना स्पोक्समैन करनाल।